analyzing the structure of online teachers training programs with reference to emergency remote teaching. So, मैं हिंदी में start कर रहा हूँ अपना presentation. तो मेरा जो presentation है वो basically COVID के दौरान जो हम लोगों ने जो trainings करवाई हैं ट्रेंड टीचर्स को देने के लिए या उससे पहले जो हमने टीचिंग की है तो उस पर बेस्ड है जो ये मेरी सारी रिसर्च है. दिस इज प्योरली इंपैरिकल रिसर्च एंड दिस डेटा हैज बीन कलेक्टेड इन 2020 एंड 21 फ्रॉम द ट्रेनर्स बेसिकली मींस हु हैव डिजाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द टीचर्स हु वर टीचिंग ड्यूरिंग दिस कोरोना पैंडमिक. सो व्हाट इज ईआरटी? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ईआरटी है क्या, ये इमरजेंसी रिमोट टीचिंग है क्या? क्योंकि अब ये जो इमरजेंसी रिमोट टीचिंग है ये हमने कब यूज की, जब ये हमारे पास पैंडेमिक का टाइम था. इससे पहले भी कुछ कंट्रीज में पहले ईआरटी यूज की गई है, जैसे अफगानिस्तान में या वार वाले जो कंट्रीज है वहां पर ये इमरजेंसी रिमोट टीचिंग यूज की जाती थी. तो अभी हमारे पास सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था कि अभी जिस टीचिंग को हम नाम दे रहे थे ऑनलाइन टीचिंग, वो बेसिकली एक ऑनलाइन टीचिंग नहीं थी, वो एक इमरजेंसी रिमोट टीचिंग थी जिसमें कि हम ऑनलाइन मीडियम्स का भी यूज कर रहे थे, ऑफलाइन मीडियम्स का भी यूज कर रहे थे जिन बच्चों तक ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं थी. तो इसमें हमने फेस टू फेस मोड भी यूज किए हैं, ब्रांडेड मोड यूज किए हैं और हाइब्रिड मोड. तीनों टाइप के मीडियम्स जो भी हम एजुकेशन में यूज करते हैं वो तीनों मीडियम्स हमने यूज किए हैं. अब बेसिकली इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, नॉट टू क्रिएट अ रोबस्ट एजुकेशनल इकोसिस्टम बट रादर टू प्रोवाइड टेंपरेरी एक्सेस टू इंस्ट्रक्शन. क्योंकि हम ऐसे पीरियड में उस समय चले गए थे कि हमारे पास कोई मीडियम नहीं था इंस्ट्रक्शन का, बच्चों तक पहुंचने का कोई मीडियम नहीं था. तो हमने एक टेंपरेरी एक सिस्टम बनाया, मतलब टीचर्स ने खुद बनाया, किसी ने हमको बताया नहीं, ना ही हमें किसी अथॉरिटी ने ये सजेस्ट किया कि आप ऐसे बच्चों तक पहुंची. हमने जो व्हाट्सएप तक पहुंच सकता था व्हाट्सएप से पहुंचा, वर्कशीट के मॉडल से पहुंचा, फेसबुक से पहुंचा, यूट्यूब से पहुंचा, जिसके पास जो अवेलेबिलिटी थी वैसे बच्चों तक हमने अपने इंस्ट्रक्शन को पहुंचाया और अपने कंटेंट को पहुंचाया. तो ये बेसिकली एक आइडिया है ईआरटी में. अभी टीचर्स रेडीनेस फॉर ईआरटी, बट क्या इस रिमोट टीचिंग के लिए क्या हमारे टीचर्स तैयार थे, क्या हम लोग इसके लिए रेडी थे? मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ तो मैं भी सेम फ्रेटर्निटी से आता हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किए जो और टीचर्स ने फेस किए होंगे मेरे साथ के. सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टीचिंग द सेम वे वी आर डूइंग, बट डिजिटलाइजिंग इट वी मस्ट अडॉप्ट टीचिंग टू अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, वन दैट इज नॉट फेस टू फेस. मतलब वो कॉन्टेक्स्ट हमने देखा है जहां पर हम बच्चे से फेस टू फेस कनेक्शन नहीं कर सकते थे. कुछ कुछ लोगों ने बाद में एक या दो या तीन महीने के बाद, जून के महीने के बाद कहीं हम व्हाट्सएप पे स्विच कर पाए कि व्हाट्सएप के थ्रू हमने क्लासेस ली या गूगल क्लासरूम के थ्रू हमने क्लासेस ली, गूगल मीट से हमने क्लासेस ली. तो हम एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट की तरफ गए. अब ये बेसिकली जो स्टडी है ये एडीडीआई मॉडल पे है. एडीडीआई मॉडल जब भी हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो इस मॉडल का हम यूज करते हैं. तो बेसिकली है क्या ये एडीडीआई मॉडल, तो इसमें सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं जो उस ट्रेनिंग से रिलेटेड या जो टीचर्स की जो प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड होती है, जिसको हम एक यहाँ पर एक टर्म भी आता है उसके लिए कि हम बेसिक पहले डेटा कलेक्शन करते हैं कि भाई टीचर्स को किस ट्रेनिंग की जरूरत है, किस स्पीड में ट्रेनिंग की जरूरत है. तो वहां पर हम फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे हम डिजाइन करते हैं कि हम कैसे इन ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करवाएंगे. क्या हम ऑनलाइन जाएंगे, क्या हम ऑफलाइन जाएंगे, क्या हम वर्कशॉप के माध्यम से जाएंगे या क्या हम किसी सेमिनार के माध्यम से जा रहे होंगे जैसे अभी जा रहे हैं. फिर उसको डेवलप करेंगे, जो भी हम प्लानिंग करेंगे उसको बाद हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, लास्ट में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. अब इस ट्रेनिंग जो ये रिसर्च है, इस रिसर्च में इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को मैंने रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए गए थे उस दौरान 2019 और 2020 में उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और इम्प्लीमेंटेशन का डेटा मेरे पास नहीं है. मेरे पास इन तीन फैक्टर्स का डेटा है, एनालाइज डिजाइन डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन का डेटा नहीं है. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस रिसर्च के, तो इनमें ऑब्जेक्टिव्स थे कि टू एक्सप्लोर द कोरिलेशन बिटवीन द डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विद रेफरेंस टू द ईआरटी. दूसरा था कि रिलेशनशिप बिटवीन द डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विद रेफरेंस टू इमरजेंसी रिमोट टीचिंग. तो उसमें हम दो फैक्टर्स को ले रहे हैं, एक तो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं जिन लोगों ने इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बनाया था, और दूसरा हम ले रहे हैं कि उनके क्या बैकग्राउंड्स थे, मतलब कितना एक्सपीरियंस था उन्हें, एक एक्सपीरियंस और दूसरा एकेडमिक बैकग्राउंड. एंड थर्ड वन इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल डिजाइन प्रोसेस थ्रू एडीडीआई मॉडल इन परव्यू ऑफ द ईआरटी. अब दो मेरी हाइपोथेसिस थी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिफिकेशंस ऑफ द ट्रेनर्स एंड डिजाइन ऑफ द ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स.
मतलब जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं और उसके उसके और जो ट्रेनर्स की जो क्वालिफिकेशन है उसके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, दिस इज इन द हार्ट ऑफ दिस इज वन. एंड अनदर वन इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. रिसर्च मेथोडोलॉजी 100 फैकल्टी मेंबर्स, मास्टर ट्रेनर्स, की रिसोर्स पर्सन, बीआरसी एंड सीआरसी, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रेनिंग्स थी वो सिर्फ डाइट के थ्रू नहीं या सीआरटी के थ्रू नहीं बल्कि हमारे बीआरसी सीआरसी या बीओ के माध्यम से भी हम तक ट्रेनिंग्स पहुंची. तो उन सब लोगों से मैंने डेटा कलेक्ट किया है, 100 लोगों का एक सैंपल था और जो मॉडल यूज किया था वो एडीडीआई है. स्टैटिस्टिकल टेस्ट मैंने दो यूज किए, काई स्क्वायर और पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और जिसके डेटा जो मैंने एनालाइज किया है वो आर प्रोग्रामिंग के थ्रू किया है. अब जो हाइपोथेसिस वन है मेरी कि क्वालिफिकेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग, ये जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये सारे फैक्टर्स डिजाइन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं. फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, डिजाइनिंग कंटेंट आउटलाइन, और ये सारे फैक्टर्स और इसके बेसिस पे जो डेटा मैंने कलेक्ट किया था उनका ये सारी स्टैटिस्टिक्स है. आर वैल्यू हमने कैलकुलेट की है और काई स्क्वायर वैल्यूज कैलकुलेट की है. तो इसके बेसिस पे जो आउटकम आएगा वो लास्ट स्लाइड में है, उसको मैं बाद में शेयर करता हूँ. फिर दूसरी जो हाइपोथेसिस है दैट इज बेस्ड ऑन द एकेडमिक बैक सॉरी एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस में ये डिजाइन वाले फैक्टर्स हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, मिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. एंड अगेन द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर एंड काई स्क्वायर टेस्ट. तो उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन मैंने निकाला है जो भी डेटा कलेक्शन किया है इन सारे ट्रेनर्स से जो जिन्होंने ये प्रोग्राम्स डिजाइन और डेवलप किए थे. तो उसमें एक सिग्निफिकेंट रिलेशन मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं तो उसमें जो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिजाइन और डेवलप कर रहे होते हैं उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है. मतलब जितना क्वालिफाइड वो ट्रेनर होगा या वो ग्रुप होगा उतना ही इफेक्टिव हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा. दूसरा, एक्सपीरियंस ट्रेनर्स का जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप कर पाएंगे इमरजेंसी रिमोट टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में, नॉट इन द नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी रिमोट टीचिंग. थर्ड वन इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द डिजाइन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, अ प्रोविजन टू मिक्स द इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, कंटेंट आउटलाइन, फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा एंड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द ट्रेनर्स. मतलब कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ट्रेनर्स की जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितने भी हमने सैंपल में ट्रेनर्स लिए हैं चाहे वो बीआरसी कोऑर्डिनेटर्स हों सीआरसी कोऑर्डिनेटर्स हों, वो जितने क्वालिफाइड थे उतना ही हमारा प्रोग्राम जो था वो ज्यादा इफेक्टिव रहा ईआरटी के दौरान. और ये दिस इज लास्ट लाइन. इसमें जो ब्लू वाली लाइन है और जो रेड वाली लाइन है एक डिजाइन की और डेवलपमेंट की है और उसके साथ उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का डेटा है. मतलब जैसे जैसे क्वालिफिकेशन बढ़ी और एक्सपीरियंस बढ़ा ट्रेनर्स का, वैसे वैसे हमारी जो इफेक्टिवनेस थी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की वो इंक्रीज हुई. फर्दर स्कोप ऑफ रिसर्च ये है कि मतलब इस फील्ड में अभी आगे जो मैं कर रहा हूँ या आप लोगों के लिए भी सजेशन से आप जो कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में यहाँ पर अभी काम करना बाकी है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पे अभी रिसर्च नहीं हुई क्योंकि उसका मेरे पास डेटा अभी कलेक्शन नहीं है. दूसरा, ADDIE model must be tested, worked out for all levels of training programs. मतलब online, offline training programs के दौरान भी नहीं, बल्कि जो ये ADDIE model है normal offline training programs के दौरान भी use किया जाना चाहिए और उसका effective data हमारे पास होना चाहिए. मतलब अगर जैसे अभी हम ये सेमिनार यहाँ पर करवा रहे हैं तो यहाँ पर भी ADDIE model use किया जाना चाहिए कि हमने अभी भी हमें तीन फेज में चले, डिजाइन में है, डेवलपमेंट में है, लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन यहाँ पर डाइट के द्वारा किया जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन जो था किस लेवल का था और उसके बाद उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, देन वी कैन मेक द बेटर प्रोग्राम्स इन फ्यूचर. थैंक यू सो मच. सर आपने शुरू में बात करी प्रेजेंटेशन के कि सेल्फ डेवलप टूल, सेल्फ डेवलप टूल करें आपने इस्तेमाल, सेल्फ डेवलपमेंट टूल आपने डाटा कलेक्शन के लिए सेल्फ डेवलप कर नीड असेसमेंट किया जो आप वर्ड यूज करना चाहते हैं. हां हां आपने नीड असेसमेंट किया था, उसे नीड असेसमेंट जारी पहले क्या लेते हैं नीड